क्वास R5 5G। बैक में तो चार कैमरे हैं सर। हाँ, ये बैक में चार कैमरे हैं, लेकिन जो असल कैमरे हैं ना वो तीन है, और जो चौथा कैमरा है ना वो माइक्रो स्कोप कैमरा है, टेलीस्कोपिक। हाँ, टेलीस्कोप माइक्रो कैम कहते हैं, जिसको करीब से जूम करते हैं ना तो उसमें सारी वर्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी शो होती है पिक्चर्स में, हाई क्वालिटी। तो ये जो है ना 12GB 256, इसके अंदर मेरे पास एक ये कलर है और एक ये वाइट कलर है। ये वन प्लस का 70 है, 70 ठीक है। उसके बाद ये वन प्लस का 7 Pro पॉपअप कैमरा, देखो अभी ऑन ओपन हो जाएगा कैमरा, पॉपअप कैमरा ठीक है, वन प्लस का। उसके बाद ये 8 वन प्लस का। उसके बाद ये है 8T Plus आईफोन एक्स है, वाइट सिल्वर इनकी जो ये देखें आप, आईफोन एक्स भी है, आईफोन 11 प्रो भी है, आईफोन एक्सएस मैक्स भी है ठीक है। देखें ये एक्वास R2 है ठीक है, 4GB 64GB PTA प्रूफ ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जोहर भाई के पास आ चुके हैं। तो जोहर भाई स्टॉक का वेट करवा रहे थे, अब स्टॉक आ चुका है इनके पास, एक्वास R2 R3 R5 सब चीज़ें हैं। और ये देखें R5 बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, वन प्लस 7 प्रो, वन प्लस 7T, वन प्लस 8, और आईफोन भी है जोहर भाई के पास, बेहतरीन किस्म के प्राइसेस लेके आएंगे। जोहर भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई और एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। ऑल कस्टमर अस्सलाम वालेकुम एंड ऑल पाकिस्तानी, जो मेरी जो वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो नोटिफिकेशन के रूप। ठीक है, अब लेस स्टार्ट करते हैं हम के भाई। ये देखें ये एक्वास R2 है ठीक है, 4GB 64GB PTA प्रूफ ऑफिशियल, स्नैपड्रैगन 845, इसकी बैटरी 3130 mAh बैटरी। ये एक कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, और एक तीसरा दिख नहीं रहा, ये गोल्ड कलर है ठीक है। ये 4-5 कलर आते हैं इसकी, हमारे वीवो उसको हम कंडीशन भी दिखा देते हैं भाई। देखो हल्का पुल्का स्लाइडली निशान हो ना वो चलाना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो ओरिजिनल स्टॉक होता है, रिफर्बिश पे मैं काम नहीं करता। अभी फिर रिपीट करता हूँ, हर बार वीडियो बनाता हूँ, बड़े लॉन्ग टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मेरे पास स्टॉक एंड हो गया था, और स्टॉक आते के साथ बिक जाता है जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियो बनाने का। तो ये मैं ये रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, कस्टमर को अवेयरनेस हो कि भाई हाँ मेरे पास भी स्टॉक आ गया ठीक है। ये जो है 4GB 64GB स्नैपड्रैगन 845 सिर्फ और सिर्फ PTA अप्रूव के साथ ऑफिशियल लाइफ टाइम वारंटी, मतलब ये इंपोर्ट अप्रूव है ठीक है। इसके जो प्राइस है ना, कोई भी कलर मुझसे लेता है कस्टमर, इसके जो प्राइस है ना 16,000 रुपये PTA अप्रूव के साथ, और कंडीशन कस्टमर बोलता है 10x10 दो। भाई हमेशा याद रखो, यूज़ पीस होते हैं 10x9 कंडीशन माइंड में रखो, यूज़ पीस होते हैं 10x9 कंडीशन दिमाग में रखो, 10x9.5 भी रखो मसला नहीं है, लेकिन 10x10 नहीं होती। इसकी रीज़न ये है कि 10x10 वही कंडीशन होती है जो डब्बे से अनबॉक्स किया हुआ होता है, 10x10 वो होता है ठीक है। अब प्लस हम स्टार्ट करते हैं ये एक्वास R3। एक्वास R3 का जो है 6GB 128GB नॉन PTA के अंदर है ठीक है, ये डोकोमो वेरिएंट है। उसके बाद ये एक्वास AU का वेरिएंट है। उसके बाद ये सॉफ्टबैंक कैरियर है, वो मेरे पास आई थिंक अभी देख नहीं रहा अवेलेबल है, और ये सॉफ्टबैंक कैरियर वेरिएंट अवेलेबल है ठीक है। ये तीनों मॉडल अवेलेबल है, 6GB 128GB, तीनों सेम वर्क करते हैं, स्नैपड्रैगन 855 है, वर्किंग सेम है, कोई किस्म का मसला नहीं है। बस मसला ये है कि सॉफ्ट बैंक की जो ड्यूटी है ना वो 46,000 रुपये है, और डोकोमो की जो ड्यूटी है ना, जैसे कि ये डोकोमो पीछे एम्बोज हुई हुई है ब्रांडिंग, इसकी जो ड्यूटी है वो 28,000 रुपये, और ये AU कैरियर है इसकी ड्यूटी है 11,500 रुपये ठीक है। इसके जो प्राइस है ना एक्वास R3 के, इसमें मेरे पास अभी तीन वेरिएंट अवेलेबल है, तीनों कलर अवेलेबल है, तीन नहीं चार कलर अवेलेबल है, एक लाल कलर भी होगा आई थिंक अभी दराज में रखा हुआ होगा, वो मैं दिखा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है ठीक है। तो ये हमारे व्यूवर्स को एक्वास R3 जो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये का, नॉन PTA, 2 महीने सिम चलेगी, और जिन भाइयों को PTA अप्रूव चाहिए हो वो जोहर भाई से रब्ता करो, 32,000 रुपये में लेके जाइए, 32,000 रुपये में लेके जाइए कैरियर, वो जो मैं आपको बता दूंगा कौन सा कैरियर है, AU वाला ठीक है, ठीक है। 32,000 रुपये में मेरे से लेके जाइए, और कस्टमर अपना NIC लेके आए, उसी के NIC पे PSID निकलेगी, उसी के NIC पे उसी को अप्रूव करके स्टैम्प बिल प्रिंट आउट करके उसको स्टैम्प मार के दूंगा, पेड रिसीविंग का, ख़त्म, कस्टमर लाइफ टाइम चलाए, कोई इशू नहीं।
उसके बाद हम आते हैं एक्सपीरिया सॉरी एक्वास आर 5 5G। बैक में तो चार कैमरे हैं। हाँ, ये बैक में चार कैमरे हैं, लेकिन जो असल कैमरे हैं ना वो तीन है, और जो चौथा कैमरा है ना वो माइक्रोस्कोप कैमरा है, टेलीस्कोपिक। हाँ, टेलीस्कोप माइक्रो कैम कहते हैं, जिसको करीब से जूम करते हैं ना तो उसमें सारी वर्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी शो होती है पिक्चर्स में, हाई क्वालिटी। तो ये जो है ना 12GB 256, इसके अंदर मेरे पास एक ये कलर है और एक ये वाइट कलर है। ये कलर तो काफ़ी एंटिक और यूनिक है, मतलब इसको कलर को क्या नाम दूँ मैं यार, अपना इस कलर को नाम देता हूँ मैं ग्रैंडा कलर ले लो आप। ग्रैंडा कलर, ग्रैंडा कलर, क्योंकि ये मल्टी कलर है, लाइट में आप यूँ शेडिंग करते हो ना बिल्कुल अलग है। हाँ, मल्टी कलर मतलब इतने शीशा चमक रहे हैं ये। 12GB 256GB नॉन पीटी, इसका टैक्स है 46,000 रुपये। जिन भाइयों को टैक्स पे करना हो, टैक्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि कस्टमर की मर्ज़ी है, उसको टैक्स पे करना हो करे, नहीं करना उसकी मर्ज़ी। इसके जो प्राइस है ना सिर्फ और सिर्फ 38,000 रुपये, 38,000 है, 128 रिफ्रेश रेट है। और इसका स्नैपड्रैगन कितना है भाई? 865, और बैटरी है इसकी 3700 mAh बैटरी है, 3700 सबसे ज़्यादा बैटरी है इसकी, और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। चलो हम लेस अब स्टार्ट करते हैं। ये वन प्लस का थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, अगर मेरी मिस्टेक हो जाए तो कस्टमर बराए मेहरबानी करके इसको नज़रअंदाज करें और मेरे को बता देना कि भाई मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, ठीक है। ये वन प्लस का 70 है, 70, ठीक है। उसके बाद ये वन प्लस का 7 Pro पॉपअप कैमरा, देखो अभी ऑन ओपन हो जाएगा कैमरा, पॉपअप कैमरा, ठीक है। वन प्लस का, उसके बाद ये 8 वन प्लस का, उसके बाद ये है 8T Plus, 8T Plus, ये सही है। अभी ये मेरे पास चारों वेरिएंट अवेलेबल है अलग अलग, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके जो प्राइस है ना 70 के, सबसे पहले मैं इसकी वो बता देता हूँ डिटेल, ये कितना हर्ट्ज है और क्या है, ठीक है। ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस, मतलब 90 FPS पे चलेगा, ये पबजी 90 FPS पे चलेगा, 8GB 128GB, और इसका कैमरा वगैरह 48, 16, 12 MP ट्रिपल कैमरे के सेटअप लगे हुए हैं। ये पीछे ये तीनों के प्लस प्लस करके 6.5 इंच डिस्प्ले है, और 98 फुल डिस्प्ले है, मतलब OLED डिस्प्ले पे आप कह लो। हाँ, थोड़ा सा गाइस, हाँ, आपको जैसे पता है ना कि इसकी तो AMOLED है और एक फ्लूड AMOLED डिस्प्ले, हाँ, है, तो ये बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले है। इसकी जो बैटरी है ना 3800 है, बैटरी 3800 है, और ये मतलब 6 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले। अच्छा, इसके जो प्राइस है ना सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, जबरदस्त प्राइस देते हैं, बता दूँ? हाँ, बता दूँ, बता दूँ, चलो यार बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को। इसके जो प्राइस है ना सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये, 40,000, ठीक है, ठीक है, 40,000 रुपये का हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा। ओके प्लीज़, ओके कंडीशन में जिन ये मेरे पास बेसिकली जब कस्टमर आएगा ना तो मैं सारी उसको डिटेल सारी क्लियर कर दूंगा, वीडियो में बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें होती हैं वीडियो में हाईलाइट रखनी पड़ती है। अच्छा, ये 7 Pro, ये पॉपअप कैमरा, ये देखें पॉपअप कैमरा, पॉप इन डिस्प्ले फिंगर है इसका, ठीक है, सही है। अब हम इसकी डिटेल चले आते हैं, इसकी डिटेल में क्या क्या है और इसके ऑप्शन क्या है। अच्छा, ये देखिए स्नैपड्रैगन, ये 855 है, ये 855 प्लस नहीं है, ये 855 है, 8GB 256GB, इसके भी सेम कैमरे के सेटअप AMOLED के साथ दिए हुए, फुल एंड AMOLED है, 6.67 डिस्प्ले OLED। अच्छा, ये सारे मॉडल जो है ना ये 11 तक अपग्रेडेड होते हैं, ठीक है, ये सारे मॉडल 11 तक अपग्रेडेड होते हैं, कुछ में 10 है, कुछ में 11 है, कुछ में आने वाले दिन के अंदर 12 तक आ जाएंगे, क्योंकि वन प्लस ग्लोबल वर्जन होते हैं, सारे ऑल सेम सिंगल सिम होता है। अच्छा, इसके जो प्राइस है ना पॉपअप कैमरे वाला है ये वन प्लस, बड़े बेहतरीन से प्राइस इसके भी दे दीजिए, ठीक है। इसके प्राइस भी मैं हमारे व्यूअर्स को बोल देता हूँ, इसके जो प्राइस है ना सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 50,000 रुपये, 50,000, 50,000, 50,000 का ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा, ठीक है, वन प्लस। अच्छा, इसमें और भी कलर आते हैं, वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आ जाएंगे, नए कलर नई पिक्चर्स के साथ। अब हम आते हैं 8, ये कौन सा कलर है यार, ये इमरान भाई, ये ऑरा कलर है, ऑरा कलर, ठीक है। ये वन प्लस का 8T वन प्लस का 8 है, ये ऑरा कलर है, ठीक है, ये ऑरा कलर है। इसके जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग देने वाला हूँ हमारे व्यूअर्स को, ठीक है। ये इसकी जो इसका भी हम देख लेते हैं, ये भी 8GB 128GB, इसके भी कैमरे के सेटअप सेम है, और 90Hz इसका डिस्प्ले है, सही है, ठीक है। बाकियों के कितने थे मैंने देखे नहीं, आई थिंक 90Hz, अब जो हम आएंगे ना उसको थोड़ा चेंज होगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अब 120 पे हम आएंगे, हाँ अब 120 पे आएंगे, ये देखें 90Hz, इसमें आपको है ना थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा मिलती है, जैसे कि एक्वास की सीरीज में 120Hz 100Hz 90Hz मिलता है ना, वैसे यही चीज़ है। लेकिन ये जो है ना काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के अंदर और हैवी फ्लैगशिप डिवाइस है, एक्वास की सीरीज की तरह ये भी वन प्लस की फ्लैगशिप डिवाइस है। अच्छा, इसके जो प्राइस है ना कितना है, सिर्फ और सिर्फ अपना 52,000, 52,000 वन प्लस एट 52,000, सही है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। और जिन भाइयों को लेना हो वो शॉप पे आके विजिट करें,
और जिन भाइयों को डिलीवरी करानी हो तो ऑनलाइन पेमेंट कराए, फिर डिलीवरी चार्जेस है ना, किसी के भी अप्लाई नहीं है डिलीवरी करते हैं सुहेर भाई, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। बड़े मॉडल में कोई भी COD नहीं है, ठीक है, सही है। मैक्सिमम में 25,000 से 30,000 मोबाइल तक मैं COD करूंगा। अगर मोबाइल अगर 50,000 से 60,000 तक की अमाउंट का है तो उसके जो 30,000 रुपये वो 25,000 रुपये जो है ना वो अमाउंट एडवांस नहीं होगी, वो जो होगी ना वो COD होगी। बाकी के जो ऊपर की अमाउंट होगी ना 50,000 से 60,000 रुपये वो कस्टमर से मैं एडवांस लूँ, क्योंकि TCS से जाता है अमाउंट बड़ी हो जाती है, फिर हमारे को TCS से रिसीव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके मैंने प्राइस बताया, हाँ 52,000 रुपये, 52,000 रुपये हमने कस्टमर को प्राइस बताया। उसके बाद ये इसके बाद ये है OnePlus 8T 128 डिस्प्ले है, इसका भी हम देख लेते हैं। ये प्रोसेसर अभी, हाँ ये डिस्प्ले वगैरह साइज ले रहा है, ये 865 है, 128 डिस्प्ले, ठीक है। इसके कैमरे का सेटअप दिया हुआ है, ये सिंगल सिम में आता है, ठीक है। सारे जो जितने भी मॉडल है ना ये US स्टॉक आता है, फ्लैटली नॉर्मल यूज कंडीशन होती है। इसमें कस्टमर ये ना बोले कि यार हमारे को बिल्कुल 10x10 दो, 10x10 नहीं आती है, स्लाइटली यूज कंडीशन आती है। इसके प्राइस जो है ना सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये, सिंगल सिम 70,000 रुपये, 12 GB 256 GB स्नैपड्रैगन 865। अब हम आते हैं आईफोन एक्स है, वाइट सिल्वर इनकी जो, ये देखें आप, आईफोन एक्स भी है, आईफोन 11 प्रो भी है, आईफोन एक्सेस मैक्स भी है, ठीक है। ये जो है ना 85+ बैटरी हेल्थ है। आईफोन एक्स जो है ना वो 64 GB है, और इसके जो प्राइस है ना हमारे व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ कितने का पड़ेगा, पहले हमारे व्यूअर्स को कंडीशन दिखा देते हैं भाई। ये हमारा व्यूअर्स पहले कंडीशन देख ले, ये नॉन PT है, ठीक है, ये नॉन PT है। ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये, 45,000 का नॉन PT है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आईफोन XS मैक्स, हल्के पुल्के निशान होंगे, अमेरिकन स्टोक है, ओरिजिनल वाटर पैक, इसमें कोई किस्म, ये देखें निशान है, ये देखें ये निशान है, हल्के पुल्के स्लाइडली निशान वाला भी मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, ये ओरिजिनल स्टॉक होता है। क्योंकि यार ये जो है ना US स्टॉक होता है, ये असल में इसका गिलास वगैरह चेंज कराएंगे, बैक कवर चेंज कराएंगे तो ये ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, ख़राब हो जाता है आईफोन, तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, इसकी वो क्वालिटी नहीं रहती फिर। अच्छा, जो इसके प्राइस है ना सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये, नॉन PT आईफोन एक्स 64 GB, ठीक है, नॉन PT है। इसका टैक्स तो हमारे व्यूअर्स को पता ही है क्या है, ये अमेरिकन स्टॉक वो होता है जो कि LLA स्टॉक होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आईफोन 11 प्रो कितना है, 256 GB, 256 GB, ये तो आई थिंक ये बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में ही आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा मॉडल है, तो बड़े मॉडल तो कोशिश करते हैं कि साफ साफ मंगाएं, ठीक है, कोशिश करते हैं साफ मंगाएं। अच्छा, इसके जो प्राइस है ना, ये 256 GB 11 प्रो नॉन PT है, इसके प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये, 95,000 होता है, ठीक है भाई। ये जो मेरे पास जो मॉडल है ना, शॉर्ट बात करूँगा, जल्दी जल्दी बात करूँगा, ये एक्सपीरिया 1 है, ठीक है। ये 6 GB 64 GB स्नैपड्रैगन 855, इसके जो प्राइस है ये नॉन PT है, 25,000 रुपये का पड़ेगा, नॉन PT है, 10x10 कंडीशन, वाटर पैक है। कस्टमर बोलेगा कि इसको पानी में डुबकियाँ, स्विमिंग पूल कराओ तो इसको कस्टमर को स्विमिंग पूल भी करा देंगे यूं यूं करके, ठीक है, ये काफ़ी फेमस हो जाएगा यूं 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 करके, ठीक है। तो इसको कस्टमर को वाटर टेस्ट भी करा देंगे। ये जो है ना 25,000 रुपये का एक्सपीरिया 1। उसके बाद हम आते हैं सोनी का XZ3, ये 4 GB 64 GB PT है, प्रूफ के साथ है, ये POLED डिस्प्ले डायनामिक ऑप्शन के साथ है। एक्सपीरिया के जितने भी फ़ोन होते हैं ना सारे डायनामिक ऑप्शन के साथ आते हैं। अच्छा, ये भी वाटरप्रूफ है, ये भी डुबकियाँ लगा देंगे कस्टमर को, कस्टमर पता चले सातवें माले तो फेंक रहा है पानी के अंदर, तो पानी तो अंदर जाना ही है, क्योंकि पानी में जो वाटरप्रूफ जो होता है ना, स्लाइडली पानी में यूँ रखना होता है और चेक करना होता है, बबल तो नहीं आ रहे, बबल आएंगे तो समझो वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है, कोई भी मॉडल हो तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वाटरप्रूफ तो हम वारंटी दे देते हैं, लेकिन ये हैंड चार्जिंग जैक है, माइक है, मतलब यहाँ छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती है ना, वहाँ से पानी जाने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि भाई वाटरप्रूफ, जैसे कि बारिश वगैरह है तो उसके अंदर हल्का फुल्का सर्वाइव हो जाता है। तो इसमें अमूमन मैंने वीडियो भी देखी है, कस्टमर वाटरप्रूफ चेक कराता है, नल पानी होता है, पानी के बेसन के अंदर यूं कर देते हैं, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं होता है। वाटर रेजिस्टेंट का तो गाइस कस्टम... ये होता है कि आपके ओकेशनली कोई ऐसा मौका हो, बारिश हो जाए तो चलो ये है कि जानबूझ के ना डाले, कस्टमर को है ना बेसन के अंदर पानी के अंदर यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं और बोलते हैं वाटरप्रूफ है। भाई बाल्टी के अंदर डालो ना, जिगरा पकड़ो बाल्टी के अंदर, आपका रेडी ऑनलाइन है तो बाल्टी के अंदर टप के अंदर डालेगा और आपको बताएगा ये वाटरप्रूफ 100%, ठीक है। इसके जो प्राइस है XZ3 का, ये हमारे व्यूअर्स को 19,000 रुपये का पड़ेगा PTA प्रूफ के साथ।
उसके बाद ये R3 R2 है, इसके प्राइस तो मैं बता चुका हूँ 16,000 रुपये। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एक्वस R5 5G है, इसके भी प्राइस मैं बता चुका हूँ 38,000 रुपये। अच्छा ये ग्रेड है ना, बहुत ज़बरदस्त, वो कंडीशन बहुत VIP है, 2 महीने सिम चलेगी एक्वस R5G में। अच्छा ये है आईफोन एक्स है, ये 256 GB है, LL है, ठीक है, ये ऑफिशियल PTA अप्रूव के साथ है। इसकी कंडीशन जो है ना, हल्के पुल के स्लाइडली फ्रंट पे निशान है, और ये वाटर पैक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी मैंने बैटरी चेंज कराई है, ठीक है, क्योंकि बैटरी मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने बैटरी इसके अंदर ओरिजिनल एप्पल स्टोर से बैटरी डलवाई है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली दुबई गया था, ठीक है, तो वहाँ से मैंने एप्पल स्टोर से इसकी बैटरी चेंज कराई, काफ़ी मुश्किल हो गई थी, मेरा 24 आवर्स मोबाइल ऑफ था, तो बैटरी चेंज कराई, तो मैंने बैटरी अपने सामने खड़े होकर चेंज कराई, लेकिन कस्टमर बेफिक्र रही है, एप्पल स्टोर से बैटरी चेंज कराई है, ठीक है। ये 256 GB LL ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 75,000 का। सिम ट्रे IMI मैच है, ये मैंने अपना पर्सनल फ़ोन है, मैंने खुद यूज़ किया है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपना ये DM01 के, LG DM01 के, ठीक है, ये आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ये भी PTA प्रूफ है। कितना है, 3GB 32GB टाइप सी पोर्ट है, और इसका जो बैटरी है 3000mAh बैटरी है, और इसकी जो LCD है ना, ऐसा लगता है कि LED के बराबर है, चीप यूज़ के लिए बड़ी बेहतरीन फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त है, और 3000mAh बैटरी और S8 वाला लुक इसका आ रहा है। अच्छा इसके जो प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये इसके प्राइस है हमारे कस्टमर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए। अब हमारे पास ये ओमनीपोर्ट, ठीक है, ये हमारे पास ओमनीपोर्ट है, ये छोटा पैक बड़ा धमाका, आजकल बड़े मॉडल भी कस्टमर रख रहे हैं, और चोरियाँ, हाँ, और साइड में अल्लाह ना करे कस्टमर के साथ कोई बुराई हो, ना हमारे साथ हो, अल्लाह पाक बुरी नज़र से भी बचाए, ठीक है, तो इसमें नज़र बहुत खा जाती है इंसान को, तो एहतियात करो। तो ये जो है ना, ये उन कस्टमर्स के लिए हैं जिन्होंने नया नया फ़ोन इस्तेमाल करना है, नई नई शिफ्टिंग करनी है की पैड से, तो ये फ़ोन लें ताकि उसको अपग्रेडिंग हो जाए, ये फ़ोन में सीखें, उसके बाद फिर नया फ़ोन लें महंगा, ताकि महंगे फ़ोन लेते के साथ ही वो मार्केट में कस्टमर बेचने आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका पैसा टूटता है 5-6 हज़ार रुपये। बेहतर ये है कि ये ले, कस्टमर यूज़ करे, फिर उसके बाद ले, ये 3500 रुपये का, 3500 का, हाँ, इतने में तो कीपैड फ़ोन मिलता है, हाँ, इतने में कीपैड फ़ोन मिलता है, ये डुअल सिम है PTA अप्रूव के साथ, और इसका एंड्रॉइड वर्जन, मज़े की बात बताऊँ, 6.0 मार्शमैलो, यानी कि सब चीज़ें चल जाएंगे, फेसबुक सब चल जाएगा, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मल परफॉर्म करेगा कस्टमर, बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ ना करते। अच्छा उसके बाद ये है डोकोमो का डोकोमो डी टैप 3GB 32GB 5000mAh बैटरी है, इसके जो प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 14,500 का टैबलेट भी मिल गया। उसके बाद ये गूगल पिक्सल 3 है, OEM अनलॉक है, ठीक है, वो कस्टमर को पता ही होता है क्या होता है। अच्छा ये 128GB है, सिंगल पीस रहेगी, इसके जो प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 21,000 रुपये, हाँ, नॉन PTA है, 2 महीने सिम चलेगी, 2 महीने बाद इसका आप जो भी करवाना हो वो करवा लो, टैक्स पे करना हो, जब तक 2 महीने मज़े तो लो, हाँ, 2 महीने मज़े तो लो, बगैर रूट बगैर बूट लॉक अनलॉक के, कम से कम 2 महीने मज़े लो, चीज़ क्या है, मज़े मिलेंगे तो कस्टमर को पता चलेगा ना, ड्यूटी पे करने के बाद वो एक अलग मज़ा मिल जाता है कि चलाने का क्या है, रूट होने के बाद पीस में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, ठीक है, मैं क्लियर बात करूँगा, रूट होने के बाद बिल्कुल भी जान नहीं रहती पीस के अंदर, हाँ, तो फिर वो तो बेकार ही हो जाता है ना। उसके बाद ये हमारे पास ये आया है इन फोकस 4GB 64GB हैंडी, ये बेसिकली जो है ना LETV का चार्जर आपने देखा होगा, LTV का चार्जर देखा होगा, ये बेसिकली उस कंपनी का है, ये LTV जो चार्जर आते हैं ना, 3 एम्पीयर 5 एम्पीयर जो भी आते हैं, ये उस बेसिकली उस फ़ोन का ये कैटेगरी का है, इन फोकस हैंडी। इसका जो मॉडल है X900 है, ये 4GB 64GB स्नैपड्रैगन 810, इसके प्राइस कितने, कोई गैस कर सकते हो आप या मैं बता दूँ, आप बताएं ना सर, अच्छे से चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है ना, ये एक वाइट कलर है और इसका एक ये गोल्ड कलर है, ठीक है, इसके जो प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये, अमेजिंग प्राइस, 4GB 64GB वाला फ़ोन दे रहे हैं आप, हाँ, 4GB 64GB PTA अप्रूव डुअल सिम के साथ, डबल सिम के साथ, या तो डबल सिम चलाओ या तो सिंगल सिम हो मेमोरी कार्ड चलाओ, ठीक है। अब हम आते हैं कौन सा मॉडल रह गया, हाँ भाई ये तो सारा हो गया। उसके बाद ये हमारे पास बिलू एक्सपेक्ट्रम की हैंड फ्री है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये। कैसी क्वालिटी है इसकी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी है, मतलब जो नॉर्मल हैंड फ्री मिलती है ना लोकल 150-200 रुपये वाली, उससे काफ़ी बेहतर है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगी 250 रुपये की, ठीक है। इसके अंदर कलर भी मिल जाएंगे ब्लैक और वाइट, ठीक है सर भाई। उसके बाद ये X1 के पाउच है, ये हमारे व्यूअर्स को मिलेगा कितने का, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का, ये पता चलेगा कस्टमर ये पूरे पाउच का ये रेट लगा रहे हैं, पूरे नहीं, सिर्फ सिंगल पीस का कितना है, 400 रुपये। उसके बाद हमारे पास X1 के ये गिलास भी है, X1 के गिलास भी आ गए, ये मैंने खुद भी यूज़ किया, अच्छा ग्लास है, फिंगर इतना नहीं लगता इसमें, फिंगर के मतलब निशान नहीं लगते, शाइनिंग क्वालिटी, हाँ,
ये 3D वाला गिलास है, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी का बहुत फाइन गिलास है। अच्छा, इसके प्राइस है ना सिर्फ 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास X3 की UV भी आई है, Xperia 1 का पाउच भी आया है, Xperia 1 का गिलास भी आया है, X3 की 3D प्रिंट केस भी आए हैं, और 3D प्रिंट केस R2 के भी आए हैं। ये हमारे व्यूअर्स को दिखा दूँ, ये देखें 3D प्रिंट केस, एक्सपीरिया X3 का 3D प्रिंट केस, मतलब ये यार सारी चीज़ें मेरे पास इतनी आ गई है कि मैं वीडियो के अंदर कितनी बताऊं चीज़ें कि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी यार। मतलब आप कोशिश करो कि यार दुकान पे विजिट करो, तब आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। वीडियो पे भी नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा जुहेर भाई का। मेरा नंबर है 03452914221, और मेरी शॉप है अम्मा टावर F104 फर्स्ट फ्लोर, और मेरी दुकान का नाम जो है ना ZE ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।